हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी एल एट प्रोडक्ट रिव्यू। तो आपको मेरा टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित के चूने की बात। तो ये चूना वही है जो राजीव दीक्षित बोलते हैं कि आपको पान की दुकान से ले लेना है और कहीं भी बताते हैं पैकेट में आता है, तो यही वो पैकेट है जिसमें राजीव दीक्षित बात करते हैं कि पैकेट में आपको चूना लेना है और ये पान की दुकान से ही लिया है मैंने। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पान की दुकान में चूना लिक्विड मिलता है, सर पाउडर कहाँ मिलेगा? तो आपको पाउडर ही मिलेगा, वो सिर्फ लिक्विड अपने काम के लिए बनाते हैं ताकि वो जो पान के पत्ते पे आराम से लेप लगा सकें और पान तैयार कर सकें, ठीक है। और यही वाला पाउडर वो लिक्विड बनाते हैं, तो आपको सिर्फ ये पाउडर लेना है। भले इसका नाम दूसरा और नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको पान की दुकान से ही लेना है। और आपको कोई भी मकान के पुताई वाला चूना नहीं लेना है, क्योंकि उसे प्योरीफाई करना पड़ता है, और ये वाला चूना जो पान की दुकान पर होता है वो प्योरीफाई होता है। आपको कहीं भी प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप पान की दुकान से ही चूना लीजिए। अब आप इसे यूज कैसे करना है, देखिए, आपको बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, गेहूं से भी कम अमाउंट का, ठीक है। राजीव दीक्षित बोलते हैं कि गेहूं बराबर, ठीक है, तो आप गेहूं से कम ही लीजिए और उसको आप दही पे मिला के या दाल पे या सब्जी मिला के या गर्म पानी पे मिला के आप उसे खा लीजिए। डेली आपको एक ही बार खाना है दिन में, ये नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर दाल भी खा रहे हैं एक दिन में और आप दही भी खा रहे हैं तो सब में बार बार मिला के खा लें, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दिन में आपको एक ही डोज लेना है, ठीक है। और 70 बीमारियां हैं इनकी, आप उनकी राजीव दीक्षित की वीडियो देख सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि राजीव दीक्षित हमारे साथ नहीं रहे हैं, उन्हें जहर दे दिया गया था। अक्सर होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी उन्होंने सबकी, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब जो जिन्हें डॉक्टर बोल चुके थे कि मतलब वो अब नहीं रह सकते, एक महीने तक उन्हें कैंसर है, तो उन लोगों को अच्छा किया है राजीव दीक्षित ने। ऐसी कौन सी बीमारी है जो उन्होंने अच्छी नहीं की है? शायद इसीलिए वो हमारे साथ नहीं रहे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, जो अच्छे लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन की दुनिया है, तो उन्हें मरवा दिया जाता है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब बाबा रामदेव का नाम क्यों आया कि उन्होंने मरवाया? क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, क्योंकि जो राजीव दीक्षित का जो बॉडी थी वो ब्लू कलर की हो गई थी, और जो जहर देने के बाद ही हमारा शरीर नीला पड़ता है, तो उनके ऊपर ये शक गया है कि उन्होंने आगे क्यों पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया, कैसे पता चलता है कि जहर दिया गया है करके। तो उन पर ये है, शक है, मुझे भी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे थे वो, कोई भी ऐसी भी दवाई नहीं लेते थे, महंगी महंगी बिल्कुल भी नहीं बताते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे जो हमारे घर पे ही होती थी, जो हमें मतलब पूरी पूरी गारंटी भी देते थे कि सही हो जाएंगे। रामदेव बाबा सिर्फ योग से सही करते हैं, वो योग भी बताते थे, एक दो एक्सरसाइज बताते थे, और बहुत ही ऐसी चीज़ें बताते थे जिन्हें रामदेव बाबा भी बताते हैं। तो आप उनकी वीडियो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। एक वीडियो नहीं, आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी उन पे, जो आपको लगेगा कि हाँ, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी अलर्ट है, और मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं दूँगी जो आपको हार्म पहुँचाएँ। और सारी मेरी वीडियो होती हैं वो सारी अच्छी ही होंगी आपके लिए, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में।